हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की मैथ्स की बुक से चैप्टर 11, और चैप्टर 11 है आपके लिए अलजेब्रा। और आज करने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग 11.3 एक्सरसाइज। तो चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो फ्रेंडसेट प्रिपरेशन, और इसके साथ साथ मेरा एक और सेकंड चैनल है मिस्टर कृष्णा शाह, मेरे ही नाम से ही है, ठीक है। तो ये दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। तो चलो फिर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर दे। तो ये आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपकी एक्सरसाइज 11.3 से ही ली गई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला क्या जा रहा है और फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, मेक अप एज मेनी एक्सप्रेशन विद नंबर्स एज यू कैन फ्रॉम थ्री नंबर्स 5, 7 and 8। एवरी नंबर शुड बी यूज नॉट मोर देन वंस। यूज ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये बोला गया है कि आपको एक्सप्रेशन क्रिएट करने हैं, जितने चाहो उतने कर लो, यानी कि मैक्सिमम जितने आप कर सकते हो उतने एक्सप्रेशन आपको क्रिएट करने हैं, ठीक है। अच्छा, और ध्यान ये रखना है आपको इसके अंदर वेरिएबल यूज नहीं करना है। वेरिएबल यानी कि जब हम अल्फाबेटिक जो यूज करते हैं, अल्फाबेट्स यूज करते हैं या कोई सिंबल यूज करते हैं, उसे यूज नहीं करेंगे हम इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ नंबर यूज करेंगे, ठीक है। और जो नंबर होगा वो क्या होगा, 5, 7 और 8 होगा। और आपके लिए ये भी बोला गया जो ऑपरेशंस आप यूज करोगे वो आप एडिशन यानी प्लस का साइन यूज करोगे, सब्ट्रैक्शन माइनस का साइन, मल्टीप्लीकेशन यानी कि इनटू का साइन, ये तीनों साइन आपको यूज करने हैं। और आपको भी बताना है एक्सप्रेशन कितने आप बना सकते हो। तो थ्री नंबर है, एटलीस्ट 6 तो हमें करना ही चाहिए, उसे ज्यादा भी कर सकते हो बट 6 तो करेंगे कम से कम, ठीक है। और बाकी हिंट भी आपको दे रखा है कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आप ये देख सकते हो, इस टाइप से आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो करते हैं। हमारे पास नंबर है 5, 7 और 8, ठीक है भाई। और ऑपरेशन हमें यूज करना है डिवाइड को छोड़ करके, बाकी सारे यूज करने हैं, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो पहले तो लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखेंगे गिवन नंबर हमारे पास क्या है। तो आप कह सकते हो कि सर गिवन नंबर की अगर बात करें तो हमारे पास गिवन नंबर है 5, 7 and 8। तो मैं लिख लेता हूं एक बार, 5, 7 and 8, ठीक है। तो आप एक्सप्रेशन की अगर बात करें, जैसे इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि आपने क्या करना है, एक्सप्रेशन क्रिएट करने हैं, और ध्यान रखना है कि वेरिएबल यूज नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर यूज करना है। तो आप लिख सकते हो कि एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन जो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं उसके अंदर। तो देखो सबसे पहले जो मैं अगर बनाना चाहूं फर्स्ट एक्सप्रेशन, जैसे मैं ए लिख लेता हूं, या चाहो आप नंबर लिख के भी कर सकता हूं, एबीसीडी लिख के भी कर लेते हैं हम लोग। तो मैं ऐसे करता हूं, 5 यूज कर रहा हूं, 5 के साथ इनटू का साइन यूज कर ले रहा हूं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 7, फिर प्लस और 8, तो ये एक एक्सप्रेशन मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहां पे मैंने जो साइन यूज किया है मल्टीप्लाई का किया है और एडिशन का किया है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं सेकंड क्रिएट करना चाहूं या बी लिख करके मैं बोलूं सेकंड क्रिएट करना चाहूं मैं, तो मैं कुछ इस तरह से क्रिएट कर सकता हूं। एज इट इज सब कुछ सेम है, बस ये प्लस की जगह मैंने यहां पे क्या किया, माइनस कर दिया, ठीक है, सेकंड एक्सप्रेशन क्रिएट हो गया। अच्छा, जिस तरह से आपने ये 5 को इंटू में किया है, अब थोड़ा चेंज करते हैं भाई। अब 5 की जगह ऐसा करते हैं कि हम लोग 7 को आगे ले आते हैं, तो 7 को आगे लिया है मैंने और 5 को इसकी जगह रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन में कुछ इस टाइप से क्रिएट कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर गए कि सर एक और क्रिएट करो 7 इंटू, ठीक है, नेक्स्ट आप लिख सकते हो कि भाई ये 5 माइनस 8 लिख सकते हैं, तो ये क्रिएट हो गया। और इसी तरह से और भी क्रिएट कर सकते हो, 5 इंटू में था, 7 इंटू में था, इस टाइम हम लोग क्या करते हैं 8 इंटू में आगे कर लेते हैं, और उसके बाद जो नंबर हमारे पास बच गए 8 के अलावा 7 और 5, उसे आप अंदर लिख सकते हो। इसी तरह से नेक्स्ट अगर आप क्रिएट करना चाहो तो आप कर सकते हो 8 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 5, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे यहां पे इनटू मैंने आगे लगाया, आप पीछे लगा के भी कर सकते हो, तो और ऐसे बहुत से पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने 3 नंबर यूज किया और डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन क्रिएट किया। तो देखो, और सिंबल हमने कौन कौन से यूज किया, इनटू का यूज किया, प्लस का यूज किया और माइनस का यूज किया, ठीक है। चलो अब देखते हैं अभी सेकंड क्वेश्चन। तो बच्चों ये है आपके लिए सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट, और इसमें आपसे बोला जा रहा है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशन विद नंबर ओनली। देखो ये सारे के सारे एक्सप्रेशन तो हैं, अगर आप ए से स्टार्ट कर लो ये जी तक जितने भी देखोगे सबके सब आपके पास अर्थमेटिक
एक्सप्रेशन आपकी अलजेब्रा फॉर्म में है, या कह सकते हो भी आपके पास एक्सप्रेशन तो गिवन है, ठीक है, लेकिन इसमें से हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है वो सारे एक्सप्रेशन जिसमें ओनली नंबर यूज हो रखा है। यानी कि देखो जब भी एक्सप्रेशन क्रिएट होता है बच्चों, देखो मैं यहां समझाता हूं थोड़ा सा, जब भी कोई एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं हम लोग तो बेसिकली हमने दो चीजें यूज करते हैं, या तो नंबर यूज करेंगे, ठीक है, नंबर यूज करेंगे, और या फिर हम लोग क्या करेंगे, नंबर की जगह हम अल्फाबेट या कोई सिंबल, यानी कि आप ये कह सकते हो वेरिएबल यूज करेंगे, ठीक है, वेरिएबल यूज करेंगे, और इसके अलावा कोई ना कोई ऑपरेशन यूज करेंगे, प्लस का, मल्टीप्लाई का, माइनस का, डिवाइड का, ये सारी चीजें यूज करेंगे। तो हमें इसके अंदर क्या करना है, वेरिएबल वाले चूज नहीं करने हैं, बल्कि हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर वाले यूज करने हैं, इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर से। तो जैसे आप स्टार्ट करो फर्स्ट के साथ, तो यहां देखो वाई क्या है आपके पास, अल्फाबेट्स है, यानी कि आप ये कह सकते हो ये वेरिएबल है आपके पास, तो भाई ये नंबर ओनली है, बिल्कुल नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद आते हैं बी पे आते हैं, तो यहां देखो आपको जेड दिखाई दे रहा होगा, तो ये भी हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है इसमें ओनली नंबर नहीं है, नंबर भी है और नंबर के साथ हमारे पास अल्फाबेट्स भी है, यानी सिंबल भी है हमारे पास, यानी कि आप ये कह सकते हो कि सर इसमें नंबर भी गिवन है और इसके अलावा हमारे पास वेरिएबल भी गिवन है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ नंबर वाले आइडेंटिफाई करना है, ये नहीं होगा। अच्छा अब सी को देखते हैं, तो सी में आपको कहीं पे भी वेरिएबल दिखाई नहीं देगा, ओनली आपको क्या नंबर, नंबर और नंबर दिखाई देंगे, 521, 7 और 7 और 2, ये सारे के सारे क्या नंबर है, हाँ भाई ये यस हो जाएगा, यानी कि ये हमारा आंसर हो सकता है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट देखो 5, ओनली 5 एक नंबर गिवन है, यहाँ पे क्या नंबर है, एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ नंबर है, हमारे पास वेरिएबल तो है नहीं, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अच्छा फाइनली आप नेक्स्ट चलते हैं, अभी ई को देखते हैं, तो ई में आपके पास एक्स दिखाई दे रहा है जो कि एक वेरिएबल है, तो ये कह सकते हो कि सर ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें वेरिएबल वाले तो आइडेंटिफाई करने ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंबर वाले करने हैं। अब यहां देखोगे 5 - 5n, तो जो n है बच्चों आपके पास, n क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब आगे समझ गए होगे कि सर इसमें p दिख रहा है हमें, और p क्या है हमारे पास, वेरिएबल है, इट मीन्स ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो अब ध्यान से देखोगे तो c आपके पास और c के अलावा जो d है, इन दोनों में, यानी कि ये दो आपके पास जो एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें ओनली नंबर यूज को रखा है और नंबर के अलावा वेरिएबल यूज नहीं है, ठीक है। तो पहले आप चेक कर लोगे, जब आप चेक कर लोगे उसके बाद क्वेश्चन लिखने के बाद आपने सिंपली आंसर लिख लेना है, तो आप आंसर लिखोगे सोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं सेकंड नंबर डाल देता हूं, इन सी एंड डी, ठीक है, कौन कौन से में, सी और डी में, स्मॉल डी भी लिख सकते हो चाहो तो, इन सी एंड डी वी हैव गिवन एक्सप्रेशन विद नंबर ओनली, ठीक है, वी हैव गिवन एक्सप्रेशन विद नंबर ओनली, सिर्फ और सिर्फ नंबर के साथ आपको जो गिवन है वो कौन कौन सी है, तो आप कह सकते हो सर सी में और डी में, ठीक है, तो चाहो तो लिख भी सकते हो सी कौन सा है, तो सी आप देख के यहां लिख सकते हो सी भी, और जो डी है स्मॉल डी यूज कर लेते हैं, कैपिटल डी रहने देते हैं, ठीक है। तो सी वाला जो आपके पास है बच्चों वो है 5 × 21 - 7, ठीक है, पहले लिख लेते हैं 5 (21 - 7). अच्छा उसके बाद भी कुछ है शायद, तो उसे भी नोट कर लेते हैं, +7 × 2, ठीक है, +7 × 2, ठीक है, और d में तो ओनली 5 था, तो ये हम इस तरह से इसका आंसर लिख लेंगे। यानी कि दो ऐसे रिजल्ट है आपके पास जिसमें आप कह सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, बस इतना सा था ये क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये जो सेकंड क्वेश्चन है क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो नीचे कॉमेंट में लिख के बताना भाई आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा मैं एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे ये बताओ भाई कि ये जो आपके पास है 5n + 3, ठीक है, ये नंबर ओनली वाला है या फिर वेरिएबल इंक्लूड है इसके अंदर, तो इसके अंदर बताना भी कौन सी कैटेगरी वाला आ रहा है, ये नंबर ओनली वाला है या वेरिएबल विद नंबर है ये, ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बताना नीचे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्लियर हो गया होगा, चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, और जिन बच्चों को क्लियर हो गया होगा वो बच्चे रिप्लाई जरूर करना भी नीचे कमेंट में, और अपने नेम के साथ, नेम एंड सिटी के साथ कि कौन सी सिटी से कहां से देख रहे हो आप इस वीडियो को, और अपना नाम भी लिख देना नीचे। अच्छा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 में हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार।
आइडेंटिफाई द ऑपरेशन, आपको इसके अंदर ऑपरेशन आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन से, एडिशन, ओके, नेक्स्ट उसके बाद है सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस, डिवीजन जिसे डिवाइड भी बोलते हो आप लोग, और इसके अलावा मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ये चारों सिंबल आपको, ये चारों साइन जो आपको इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है इन फॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड टेल हाउ द एक्सप्रेशन हैव बीन फॉर्म्ड, कि एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म कर रखा है ये भी आपको बताना है। यानी कि सिंपली आपको ये कहूं कि हर एक में ना, जैसे देखो ध्यान से ये जैसे ए पार्ट देखो, इसमें ए में आपके पास ये डिफरेंट डिफरेंट आपको एक्सप्रेशन गिवन है, आपको ऑपरेशन आइडेंटिफाई करना है, बहुत इजी है, आप लोग कर भी सकते हो। जैसे ए पार्ट में कराता हूं, भी दो मैं कराऊंगा, दो आप लोग करोगे, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो सबसे पहले ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूंगा, सोल्यूशन लिखूंगा, और सोल्यूशन लिखने के बाद एज यूजुअल जो मैं हमेशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर डालूंगा थर्ड, और थर्ड का मैं आपको करवा रहा हूँ फर्स्ट पार्ट यानी ए पार्ट करवा रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद ये जो है आपके पास जेड प्लस वन जेड माइनस वन, चलो पूरा लिख लेंगे एक एक करके, तो ये जेड प्लस वन, ओके, फिर नेक्स्ट है जेड माइनस वन, ठीक है, अच्छा उसके अलावा कुछ और भी है अभी उनको भी नोट कर लेते हैं। तो आपके y प्लस 17, y माइनस 17, ठीक है, तो लिख लेता हूं y प्लस 17 और y माइनस 17, ठीक है। अच्छा अब जैसे इसमें आइडेंटिफाई करो, तो ये वाला जो टर्म आपको दिख रहा है, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, एडिशन दिख रहा है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, बहुत इजी है, प्लस का साइन देखा और बता दिया। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, तो कहोगे सर इसमें सब्सट्रैक्शन दिख रहा है, ठीक है, बहुत ईजी है, तो अभी आप बहुत आसानी से लिख सकते हो कि भी सर इसमें सब्ट्रैक्शन है, ओके। अच्छा अब थर्ड वाले में देखोगे तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, एडिशन दिख रहा है, कुछ लोग एडिशन को सम भी लिखते हैं और मल्टीप्लिकेशन को कुछ लोग प्रोडक्ट भी लिखते हैं, तो ये सब चीजें बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें आप कह सकते हो क्या दिख रहा है आपको, सब्ट्रैक्शन दिख रहा है। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा, इसमें सिंपली आपको आइडेंटिफाई करना था, तो वन बाय वन आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, या फिर आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो कि इसमें कि जेड, ऐसे भी बोल सकते हो इस वाले की वन वन, चाहे तो नंबर में लिख लो वर्ड में, चलो मैं वन नंबर में लिख लेता हूं, वन इज एडेड टू जेड, ठीक है, इस तरह आप लिख भी सकते हो उसे, और इसमें लिखे वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जेड, ठीक है, इस वाले का हो गया। और अगर इसकी बात करें तो इसमें भी आप अगेन रिपीट कर सकते हो कि 17 इज एडेड टू वाई, वाई में क्या किया 17 ऐड कर रहे हो, और इसमें कह सकते हो कि 17 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वाई, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसे कंप्लीट कर सकते हो, आपने यहाँ पे ऑपरेशन भी आइडेंटिफाई कर लिए, उसके अलावा इसे एक्सप्रेशन को अपने वर्ड्स में भी प्रॉपर लिख दिया है, ठीक है, तो बहुत इजी था, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो इसी तरह से आपको भी बाकी भी करने हैं, ठीक है, तो करना, अच्छा ये चाहते हो सर एक और करा दो, तो चलो एक और करा देता हूं, बी वाला और करा देता हूं मैं, ठीक है। तो बाकी सी और डी मुझे कमेंट करके बताना और करके बताना भाई कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। सी वाला मैं, सी और डी आपको करना है, बी मैं करा देता हूं। तो यहां आपके पास देखो, जब भी आपके पास ना कुछ इस तरह 17y, जब कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, इट मींस ये क्या है यहाँ पे इंटू है, यानी कि 17 इंटू वाई है ये, ठीक है, यानी कि जब इंटू नहीं दिख रहा आपको, एक्चुअल में ये जब वेरिएबल और कॉन्स्टेंट जब एक साथ होते हैं तो ये एक्चुअल में बच्चों ये मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है, क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, ये आपको याद रखना है। और जैसे यहां पे आपको दिख रहा है y डिवाइडेड बाय 17 दिख रहा है आपको, तो आप ये कह सकते हो कि भी ये नीचे क्या है, डिवाइड में, इसमें तो दिक्कत नहीं आएगी आपको, इसमें हो सकती थोड़ी बहुत दिक्कत है ना। अच्छा बाकी आप z देख सकते हो, ये क्या है इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में। अच्छा उसको कह रहे हो सर प्रॉपर करके बता दीजिए, ठीक है भाई करा देते हैं। तो पहले मैं यहां सोल्यूशन लिखूंगा, सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, और इसका बी पार्ट करा रहा हूं, बी लिख लूंगा, और उसके बाद जो क्वेश्चन है एज इट इज पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास है 17y, ठीक है, 17y और फिर y डिवाइड बाय 17, तो 17y y डिवाइडेड बाय 17, और एक और है भाई उसे और लिख लेते हैं। तो ये आपके पास है, नहीं इसमें नहीं है, ये इधर है, 5z है, ठीक है, तो ये 5z, तो ठीक है भाई 5z लिख लिया। अब इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑपरेशन क्या है, तो आप कह सकते हो सर इसमें जो ऑपरेशन हमारे पास है ये मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। अच्छा इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे डिवाइड में, तो आपके पास सर डिवीजन है, ठीक है,
ठीक है, बहुत इजिली आपने आइडेंटिफाई कर लिया ये जेड है, कंफ्यूज मत होना कि सर क्या लिख दिया, ये जेड है भाई, ठीक है। और ये क्या हो गया, यहाँ पे आपको सिंबल नहीं दिख रहा बट एक्चुअल में ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन। अब तक तो समझ में आ गया होगा कि सर ये मल्टीप्लीकेशन है। अच्छा, अब उसके बाद आपको इसको प्रॉपर कंप्लीट तरीके से एक्सप्रेशन को लिखना है कि भाई एक्चुअल में ये है क्या। तो आप कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ, मल्टीप्लीकेशन का मतलब प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो आप यह लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ 17 एंड y, कुछ बच्चे i y को पहले लिख लेंगे, कुछ 17 को बाद में लिख लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी इजी हो गया, जैसे ये वाला है उसी तरह इसको भी कह सकते हो कि यहां पे क्या है प्रोडक्ट ऑफ z एंड 5। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने इधर z को पहले लिख दिया, बाद में भी लिख सकते हो, दोनों सेम ये रिजल्ट आएगा। चाहे आप ये 5 इंटू z कर लो या z इंटू 5 कर लो, रिजल्ट आपका सेम आएगा, क्या आएगा 5z आएगा आपके पास, ठीक है। तो इस तरह आप लिख सकते हो। अब बात करते हैं जो सेकंड वाला, तो इसमें आपके पास क्या ये डिवीजन का है, तो इसमें आप लिख सकते हो कि 17 से ये डिवाइड हो रहा है, तो आप लिख सकते हो कि y इज डिवाइडेड बाय 17, ठीक है। क्या लिख सकते हो कि y इज डिवाइडेड बाय 17, ठीक है, इजी है, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें क्या है आपके पास गिवन एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस, यानी कि आपको क्या है कि आपको केसेस गिवन है और आपने करना है कि एक्सप्रेशन में इसको कन्वर्ट करके लिख देना है। पहले क्या था कि आपके पास एक्सप्रेशन गिवन था, आपने उसे केसेस में कन्वर्ट करके लिखा था, ठीक है। मतलब अगर प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें जिसमें हम लोगों ने क्या किया कि ये जो एक्सप्रेशन गिवन था आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, ये चीजें बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि आपको केसेस गिवन है और आपको ये एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करके बताना है। तो जैसे ये है कि 7 एडेड टू पी, ठीक है, अगर इसे कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा, पी प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखो बी में अगर देखते हैं कि 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पी, तो आप इसे लिख सकते हो पी माइनस 7, ठीक है। और इसी तरह अगला करना चाहो तो आगे कर सकते हो कि पी मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, पी इंटू 7, या फिर आप सिंपली 7 पी भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये पी डिवाइडेड बाय 7, यानी कि पी, कुछ बच्चे कहेंगे सर इस तरह लिखे क्या पी डिवाइडेड बाय 7, ये भी करेक्ट है बट एक्चुअली हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होता है, तो इसमें आप लिख सकते हो पी बाय 7 लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से लिखोगे आप लोग। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ई पार्ट में देखो, यहां आपके पास है कि 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस एम, यानी कि माइनस एम के अंदर आपको माइनस करना है 7, ठीक, इस तरह लिख सकते हो। चाहो तो माइनस यहां कॉमन निकाल लो बाहर, अब आपके पास दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, कि m प्लस 7, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब माइनस माइनस दोनों के पास है, मैंने माइनस को बाहर करके ब्रैकेट यूज कर लिया है, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह से है कि माइनस पी मल्टीप्लाई बाय 5, तो आप लिख सकते हो माइनस पी मल्टीप्लाई बाय 5, और जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, बोलो क्या होगा, माइनस 5p हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से लिख लोगे आप। और लास्ट वाला है जिसमें है कि माइनस पी डिवाइडेड बाय 5, ये तो बहुत ईजी है, अब तक आप समझ गए होंगे कि सर माइनस पी डिवाइड बाय 5 नीचे आ जाएगा, जैसे इसमें किया था हमने डी में किया था, ठीक है। चाहो तो इस तरह पी डिवाइडेड बाय 7 जैसे हैं, तो यहां चाहो तो माइनस पी डिवाइडेड बाय 5 लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है बच्चों वो ये वाला है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है हमें। और उसी तरह से लास्ट में जो एच है इसमें बोला जा रहा है पी मल्टीप्लाई बाय माइनस 5, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग कर चुके हैं क्या, अरे ये देखो ये जो एफ और एच है ये दोनों सेम है, दोनों का रिजल्ट भी सेम ही आ रहा है। देखो इसमें क्या था, पी पहले माइनस पी में माइनस था, इस बार 5 में माइनस, ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम लिखेंगे पी मल्टीप्लाई बाय माइनस 5, देखो माइनस में इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज कर लिया, अब इसका आंसर सेम आ जाएगा माइनस 5p हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको ये भी पता लग गया कि माइनस आगे हो या पीछे हो, जब मल्टीप्लाई में रिजल्ट आता है तो सेम ही आ जाता है, ये देखो मतलब एफ वाले पार्ट में भी सेम रिजल्ट आ रहा है और एच वाले पार्ट में भी सेम रिजल्ट आ रहा है, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है, ठीक है।
तो क्वेश्चन बहुत इजी था, आई होप आपको सारे पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। अगर सब समझ में आ रहा है तो लिखना यस सर आई हैव आई कैन अंडरस्टैंड ऑल द पार्ट्स, ठीक है, इस तरह से कमेंट करके बताना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी उस पार्ट का लिख देना कि सर क्वेश्चन नंबर 4, और जैसे ए पार्ट नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे ए लिख दोगे, बी नहीं समझ आ रहा है बी लिख दोगे, जोन सा भी है, ठीक है। और जिनको सारे समझ में आ रहे हैं वो यस सर लिखेंगे, जरूर लिखना भाई, कमेंट किया करो। चलो अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 तो भाई हो गया हमारा कंप्लीट, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5, और 5 में भी आपके पास गिवन एक्सप्रेशन है इन द फॉलोइंग केसेस, यानी कि अब आपको क्या करना है उसी तरह से जैसे प्रीवियस क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, एज इट इज यहां पे भी वही काम करना है, ठीक है। चलो भाई कर लेते हैं, एक एक करके इनको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। देखो एक्चुअल में है क्या, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स में गिवन है और आप लोग क्या कर रहे हो इसे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आप क्या कर रहे हो नंबर यूज कर रहे हो, ठीक है। नंबर के अलावा आप यूज क्या कर रहे हो वेरिएबल्स यूज कर रहे हो, और इसके अलावा कोई भी ऑपरेशन यूज कर रहे हो। देखो ऑपरेशन का मतलब यहां पे क्या है, चार बेसिकली 4 ऑपरेशन आप लोग अभी पढ़ रहे हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और इन चारों चीजों को इस्तेमाल करके नंबर, ये जो नंबर्स और वेरिएबल के साथ क्या करते हो आप इसे कन्वर्ट करते हो, इसमें एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हो। तो ये आपके पास जो पार्ट्स हैं इन सारे पार्ट्स में हमें यही काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ए पार्ट देख लेते हैं जिसमें आपसे बोला जा रहा है 11 एडेड टू 2m, ठीक है, 2m के अंदर आपको 11 ऐड करना है। तो भाई इसका आंसर मैं ऐसे लिखवाता हूं, पहले सॉल्यूशन लिखूंगा, सॉल्यूशन लिखने के बाद ये है 5th क्वेश्चन और इसका ए पार्ट। अब इसमें बोला गया 2m में आपको 11 ऐड करना है, 2m लिख लिया, ऐड का मतलब प्लस करना है, वो आ गया आंसर। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट में आपसे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, 2m में से 11 सब्ट्रैक्ट कर लो यानी माइनस कर दो, किसमें से 2m में से, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 2m, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बोला था 2m ले लिया, और सब्ट्रैक्ट कितना करना है 11 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो लिख देंगे माइनस 11, हो गया, इजी था, है ना। अब देखते हैं सी पार्ट। तो सी पार्ट को सॉल्व करते हैं, सी पार्ट बहुत ईजी है भी, ये लोग भी ये भी कर सकते हो आप। इसमें बोला जा रहा है 5 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, कि 5 टाइम्स वी, 5 टाइम्स वी नहीं वाई है, 5 टाइम्स वाई टू विच 3 इज एडेड, यानी कि 5 टाइम्स वाई, यानी कि 5 वाई बोलो ना, इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया जा रहा है आपके लिए, तो 5 वाई हो गया, और इसमें क्या ऐड करना है 3 इज एडेड, ठीक है 3 ऐड कर दो, यानी कि 5 वाई प्लस 3 हो गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 5 वाई, देखो इंटू इंटू हो गए दोनों, और इसमें 3 ऐड करने के लिए बोला गया, तो हमने क्या किया 3 ऐड कर दिया। अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट डी देखते हैं भाई। तो डी में आपके पास है 5 टाइम्स वाई फ्रॉम विच 3 सब्ट्रैक्टेड। अब देखो यहां पे 5 वाई हो गया और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है यानी माइनस करना है आपको इसके अंदर, ठीक है, तो वही लिख सकते हो 5 वाई माइनस 3, इसमें माइनस करना पड़ा, और सी वाले में क्या बोला आपको कि प्लस करके दिखाओ, तो भाई प्लस का साइन यूज कर लिया। अच्छा अब देखते हैं ई पार्ट देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो ई में आपसे बोला जा रहा है वाई इज मल्टीप्लाई बाई माइनस एट और वाई का मल्टीप्लीकेशन यानी इनका प्रोडक्ट, ठीक है, तो आप लिखोगे वाई मल्टीप्लाई बाई माइनस एट, देखो माइनस में है इसलिए मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूंगा तो ये 8y हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से होगा। बाकी तो मुझे लगता है बाकी पार्ट्स आप लोग कर सकते हो, इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, बहुत इजी इजी है, जिसमें मुझे लगता है सब बच्चे कर सकते हैं। फिर भी एक और करा देता हूं, बाकी मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, ठीक है, तो एक और देख लेते हैं। ई तक करा दिया ना, एफ करा देता हूं एक और। तो एफ में आपसे बोला जा रहा है वाई इज मल्टीप्लाई बाय माइनस एट। अच्छा माइनस एट और वाई को मल्टीप्लाई जैसे ई में था, बट इसमें और भी चीजें बोली जा रही, इतना ही नहीं है, इसके अलावा बोला जा रहा है देन 5 इज एडेड टू द रिजल्ट, जो भी आंसर आएगा उसमें 5 ऐड कर दो। तो देखो ई पार्ट आपने सॉल्व किया था, तो इसमें आपके पास क्या आया था, देखो ये आया था ना माइनस 8y, ठीक है, मैंने यहां से ले लिया माइनस 8y। अब इसमें आपको प्लस करने के लिए बोला जा रहा है, क्या ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, तो देख लेते भी। तो आपसे बोला गया इसके अंदर कि आप इसमें 5 ऐड कर दो, इस 5 को ऐड कर दो, y इज मल्टीप्लाई बाय माइनस 8, यानी माइनस 8 और y को पहले ही मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में 5 ऐड करना है।
तो रिजल्ट देखो, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया था माइनस 8y आया था, लिख लिया और इसमें 5 ऐड कर दिया। ठीक है, इजी है, दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत इजीली आप लोग इसे कर सकते हो। और इसके बाद जो नेक्स्ट है जी पार्ट, अगर देखना चाहो तो उसमें भी बोला जा रहा है सेम ऐसा ही है कि y इज मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा अब 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5y हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बोला जो भी रिजल्ट आया उसमें 16 सब्ट्रैक्ट कर दो, 16 माइनस, सब्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ क्या, माइनस करना है, तो 5y माइनस 16 हो जाए। अच्छा अब तो सारे मैंने ही कर दिए लगता है, 5y माइनस 16 हो गया। ठीक है, और लास्ट पार्ट है भाई, ये तो कर लो भी, इसमें आपको माइनस 5 को y के साथ मल्टीप्लाई करना है और 16 ऐड करना है। तो आप कह सकते हो कि सर इसमें पहले तो जो है आपके पास माइनस 5, ठीक है, और इसमें y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 16 ऐड करना है। तो जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास माइनस 5y हो जाएगा, और 16 ऐड करने के लिए बोला 16 ऐड कर लेंगे। ठीक है, इतना ही है, देखो यही ना कि y माइनस 5 को और y को मल्टीप्लाई करना था, कर लिया मल्टीप्लाई, 16 ऐड कर लिया, बस ऐसे ही कर लेंगे हम बाकी सारे को। तो ये एच आपका इस तरह से हो जाएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे सर हम इसे इस तरह से कर सकते हैं क्या कि y मल्टीप्लाई बाय माइनस 5, तो बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, क्या आ रहा है आपका यहाँ पे माइनस 5y, देखो यही आया था ना हमारा भी, ठीक है ये आया था, बस 16 इसमें क्या करना था, ऐड करना था, तो ऐड कर लिया। तो इस तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक भी कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन और है, उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज यानी कि 11.3 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसे और देख लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ये क्लास ओवर हो जाएगी आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है, फॉर्म एक्सप्रेशन यूजिंग टी यहां पे क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, आपको एक एक्सप्रेशन क्रिएट करना है जिसमें टी यूज करना है, और टी हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, एंड 4, ठीक है, 4 को यूज करना है और टी को यूज करना है, और आपको एक एक्सप्रेशन क्रिएट करना है। ठीक है, कर लेंगे भाई। फिर आपसे बोला जा रहा है नेक्स्ट कंडीशन जो आपको दी जा रही है क्या, यूज नॉट मोर देन वन नंबर ऑपरेशन, यानी कि आपको जो यूज करना है सिर्फ टी यूज करना है और 4 यूज करना है, और एक से ज्यादा नंबर यूज नहीं करना है एक ऑपरेशन में, यानी कि 4 कर लिया तो फिर और कोई दूसरा नंबर आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, और फिर आपसे बोला जा रहा है एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव टी, और जितने भी एक्सप्रेशन आप क्रिएट करोगे सब में टी जरूर होना चाहिए, टी मतलब वेरिएबल भी होना चाहिए। ठीक है भाई, अभी तक आपको मुझे लगता है सारी चीजें क्लियर हो रही होगी, वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर किया करो भाई, जो कि आप लोग नहीं करते हो। ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं कम से कम उतने बच्चे तो लाइक करें, है कि नहीं। और हाँ, चैनल, दो चैनल है मेरे, दोनों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एक तो ये वाला मेरे नाम से और एक ये फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन। अच्छा चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो जैसे इसमें बोला गया आपको इसमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में टी और 4 यूज करके आपको एक्सप्रेशन क्रिएट करना है, फॉर्म करने के लिए बोला जा रहा है, और आपको 4 के अलावा कोई दूसरा नंबर यूज नहीं करना है, यानी कि 4 ही यूज करना है सिर्फ और सिर्फ, और जितने भी ऑपरेशन क्रिएट करोगे एक्सप्रेशन सॉरी उसके अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि टी तो जरूर होना चाहिए, बिना टी के तो हो ही नहीं सकता, ऐसा आंसर क्रिएट करना है। चलो कर लेते भाई। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगा, सोल्यूशन लिखूंगा, सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर जो भी है 6, तो 6 फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट है तो नंबर आपके पास जो गिवन है एक बार लिख लेते हैं, नंबर आपके पास 4 है। ठीक है, आप चाहो तो गिवन लिख सकते हो कि गिवन आपके पास क्या क्या है, गिवन आपके पास है नंबर, और नंबर आपके पास क्या, 4 है। अच्छा, वेरिएबल आपके पास क्या है लिख सकते हो, तो वेरिएबल आपके पास क्या है, टी है। अब एक्सप्रेशन क्या क्या हो सकते हैं जरा देखो भाई, तो आप कह सकते हो सर इसमें जो एक्सप्रेशन है बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल एक कर सकते हो टी प्लस 4। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टी तो मेरे पास वेरिएबल हो गया, 4 मेरे पास नंबर हो गया, बीच में एक ऑपरेशन क्या यूज किया, प्लस यूज कर लिया। इसी तरह से नेक्स्ट आप बना सकते हो टी माइनस 4, ठीक है, नेक्स्ट आप कर सकते हो टी मल्टीप्लाई बाय 4, या फिर सिंपली आप इसे लिख सकते हो 4t लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से। अच्छा अब क्या डिवाइड अलाउड है, एक बार देख लेते हैं कि डिवाइड अलाउड है या डिवाइड अलाउड नहीं है, नहीं ऐसा तो कुछ बोला नहीं है डिवाइड के बारे में, तो हम लोग डिवीजन भी यूज कर लेते हैं। चलो एक और बना लेते हैं, तो t डिवाइड बाय 4, जिसे आप लिख सकते हो t बाय 4 भी लिख सकते हो। तो मैंने यहां पे आपको क्या किया, 4 डिफरेंट एक्सप्रेशन क्रिएट करके दिखाया आपको, थर्ड ये रहा और ये फोर्थ टी बाय 4th। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया भाई, और आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो भी गया होगा।
ठीक है। तो सेकंड पार्ट भाई आप लोग सेम वैसे ही है जैसे फर्स्ट पार्ट है, जिसमें आपको क्या करना है, 2 और 7 यूज करना है और इस तरह से आपको ऑपरेशन क्रिएट करना है और डिफरेंट होना चाहिए सारे, ठीक है भाई। बहुत इजी है, कर लोगे, जैसे फर्स्ट किया था वैसे ही करना है। इसमें जो आप यूज को बोला जा रहा है आपको फॉर्म एक्सप्रेशन यूजिंग, अच्छा एक नंबर और ऐड हो गया इसके अंदर, यहाँ पे वाई यूज करना है, 2 यूज करना है और 7 यूज कर। पहले क्या था, टी और 4 था, दो चीजें थी, बट आपको नंबर आपके 2 डिफरेंट नंबर आपके पास, 2 भी है 7 भी है, कोई बात नहीं इसे भी कर लेते हैं। तो देखो भाई सबसे पहले यहाँ तो लिखोगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है बी पार्ट है, और जो चीज गिवन है एक बार लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। तो नंबर जो हमें गिवन है, नंबर्स की बात करें तो हमें 2 और 7 गिवन है, और वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल हमें जो गिवन है वो हमें वाई गिवन है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन अगर हम बनाना चाहें तो बहुत सारे बना सकते हैं, ठीक है। तो थोड़े 4-5 मैं बना के आपको दिखाता हूं कि जैसे फर्स्ट अगर मुझे बनाना हो फर्स्ट, तो मैं लिख सकता हूं वाई प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, फर्स्ट ये क्रिएट हो गया। सेकंड आप कह सकते हो वाई प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, सेकंड ये क्रिएट हो गया। और इसी तरह से और भी आप लोग क्रिएट कर सकते हो कि जैसे आपने y के और 2 में प्लस किया था, अब आपके नेक्स्ट में आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह y माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर उसी तरह नेक्स्ट आप बोल सकते हो कि भी आप y माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखो 4 तो मैंने आपको क्रिएट करके दिखा दिए, बाकी आप लोग खुद से कर लेना भाई, इतने भी बहुत हैं और भी बहुत सारे कर सकते हो, थोड़ा बहुत चेंजेस करके इसके अंदर आप आंसर निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये जो 11.3 एक्सरसाइज है सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और भाई इसके अलावा मैथ्स के अलावा साइंस की वीडियो भी और देखा करो इस चैनल पे, और उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, इन सब वीडियो का लिंक ना मैं नीचे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके लिख दूंगा, सबसे ऊपर जो कमेंट दिखेगा उसमें आपके पास क्लास 6 की सारी वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगा, तो जरूर देखना उस कमेंट में जाकर के। और अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो वहां मुझे फॉलो कर सकते हो, और मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। और अगर कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में हमेशा पूछोगे, और इसके अलावा अगर पर्सनली कहीं कनेक्ट होना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे कनेक्ट हो सकते हो, ये मेरी आईडी है, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को लाइक कर दो भाई, जो मैं बार बार कहता हूँ कि लाइक कर दिया करो, मुझे पता लग जाए कि आपको भी पसंद आ रही है वीडियो, अगर नहीं पसंद आ रही तो भी डिसलाइक भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करना, चलो।